डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के प्रैक्टिकल ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन में आपको वेलकम करती हूँ। अभी तक हमने प्रैक्टिकल नंबर 8 तक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखे हैं। लास्ट सेशन में हमने यूज़ ऑफ मेल मर्ज, यह एक्सपेरिमेंट नंबर 8, प्रैक्टिकल नंबर 8 परफॉर्म करके देखा। तो यहाँ हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के प्रैक्टिकल ख़त्म होते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग वाला पूरा यूनिट हमारा यहाँ फिनिश होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हमें जब बनाना है तो कंटिन्यूस लेटर टाइप, लेटर फॉर्मेट में अगर हमें उसे बनाना है, ऑफिस डॉक्यूमेंट अगर हमें बनाना है तो हमें वो किस तरीके से बनाना है, यह हमने वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा सीखा। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हम वर्ड प्रोसेसर से भी बनाते हैं, हम उसके लिए एक्सेल भी यूज़ करते हैं और हमें उसे पावर पॉइंट से भी हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बाय वर्ड प्रोसेसिंग, यह टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। ओके, तो एमएस वर्ड का यूज़ करके, एमएस वर्ड टूल यूज़ करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह टूल यूज़ करके हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं यह देखा। ओके, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 9, क्रिएट ओपन एंड एडिट वर्कशीट, प्रैक्टिकल नंबर 9, क्रिएट एडिट एंड ओपन वर्कशीट, यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। देखो यहाँ स्क्रीन पे आपको जो सिंबल्स दिख रहे हैं उससे हमें समझ में आता है कि ये जो सिंबल है ये है वर्ड की फाइल। देखो यहाँ W लिखा है और यहाँ लाइन लाइन है, तो ये है हमारी वर्ड की फाइल। और जब हम एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो ये ऐसा सिंबल दिखेगा। जो भी फाइल हमारे एक्सेल की रहेंगी ये इस तरीके से, ये है हमारी एक्सेल फाइल। ओके, तो अभी तक हमने ये फाइल कैसे बनाते हैं, वर्ड फाइल वो देखा, उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, पेज को कैसे फॉर्मेट करते हैं, उसके अच्छा अलग अलग इफेक्ट देके उसको कैसे डेकोरेटिव बनाते हैं वह हमने देखा। ओके, आज हम एक्सेल फाइल कैसे ओपन करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं यह देखेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें दो तरीके फिर से आजमाने हैं। एक तो यहाँ से हम एक्सेल डालेंगे, EXCEL, यहाँ एक्सेल लिखेंगे तो यहाँ एक्सेल की जो एप्लीकेशन है वह दिख रही है हमें। देखो फॉर्मेट दिख रहा है, एक्सेल 13 दिख रहा है। इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको डबल क्लिक करने के बाद फाइल ओपन होती है। ओके, देखो एक्सेल ओपन हो रहा है। यहाँ हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक क्लिक किया तो बुक वन नाम की हमारी फाइल ओपन हो गई है। ओके, तो अभी इसके पहले जैसे कि हमने फाइल ओपन कैसे करते हैं, एक्सेल में कैसे जाती है देखे, बट ये वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है। ओके, तो वर्कबुक में, वर्कबुक यानी जिसमें नंबर ऑफ शीट्स रहते हैं, जैसे ये एक शीट हो गई, यहाँ प्लस करेंगे तो दूसरी शीट ऐड होती है। इस तरीके से नंबर ऑफ शीट्स जिसमें रहते हैं उसे बोलते हैं हम एक वर्कबुक। जैसे एक वर्कबुक में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, वैसे ये वर्कशीट में, ये वर्कबुक में, ये एक्सेल का जो वर्कबुक है उसमें नंबर ऑफ शीट्स रहते हैं जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पहले अगर हम ये शीट कंसीडर करते हैं तो ये एक शीट में जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में डिवाइड हो चुकी है। देखो यहाँ पे जैसे हमने बुक वन नाम की एक्सेल की शीट, एक्सेल की फाइल ओपन करी तो इसमें ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 रोज और ABCD कॉलम्स हमें दिख रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन है, जो ब्लैंक स्क्रीन है, वो जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होती है तब उसे बोलते हैं हम एक्सेल शीट, तब उसे बोलते हैं हम वर्कशीट। ओके, और वेन नंबर ऑफ वर्कशीट्स आर गेट टूगेदर दैट विल फॉर्म वर्कबुक, वो क्या फॉर्म करता है हमारा, एक वर्कबुक फॉर्म करता है। ओके, तो और ये एक शीट है, ये एक शीट में जब स्क्रीन रोज एंड कॉलम में डिवाइड होती है तो ये एक जो पोर्शन है, एक जो कंपार्टमेंट है, इसे बोलते हैं हम सेल। एक कॉलम और रो को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन मिलता है हमें, एक रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है, जो उसको कंबाइन करके जो पार्ट हमें मिलता है उसे बोलते हैं हम सेल। जैसे ये है सेल, ये है सेल, ये भी हमारा सेल। अभी ये सेल को कैसे रीड करना, तो जैसे कर्सर हमारा, जिसको हम कर्सर भी बोलते हैं, इसे सेल पोजीशन बोलते हैं, तो ये कौन से कॉलम में हमारा कर्सर है, डी कॉलम में, और कौन सी रो में है, फिफ्थ रो में, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, D5। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, D5।
ओके, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बी थ्री। अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ टू। मतलब पहले कॉलम आएगा फिर बाद में रो आएगा, हम 2F नहीं बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे, एफ टू। मतलब पहले कॉलम एंड देन रो, कैसे पढ़ा जाएगा, पहले कॉलम और रो। ऐसे बहुत सारे रोज और कॉलम्स ये एक्सेल शीट में होते हैं। ओके, आपके लिए ये गूगल क्वेश्चन है, ये क्वेरी है कि आप नेक्स्ट टाइम तक के इसको मतलब आपको ये फाइंड आउट करके रखना है आपके लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ सिंगल वर्कबुक। एक वर्कबुक में हम कितने कॉलम्स और कितने रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, आपको ये गूगल सर्च करना। ओके, हाँ, नेक्स्ट इज कि अभी जैसे हमने बोला कि ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ये स्क्रीन डिवाइड होती है, वैसे ही ये ऊपर जो है ये टाइटल बार है, टाइटल बार में फाइल का नेम दिया जाता है, कौन सा टूल हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिखा रहता है साइड में। यहाँ पे ये जो भी फाइल हम ओपन कर रहे हैं उसका सिंबल है, जैसे हमने एक्सेल की फाइल ओपन करी तो उसका एक्सेल का सिंबल यहाँ दिया गया है। ये सेव का बटन है, देखो यहाँ कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ नीचे लिख के आता है सेव, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस हम कीबोर्ड से हमसे सेव करते हैं तो कंट्रोल एस, शॉर्टकट की कंट्रोल एस यूज करते हैं, ये सेव का सिंबल है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ ये अपना एक्सेल का सिंबल है, ये रीडू अंडू का बटन है, ये रीडू का बटन है, ये फिर से ये किस लिए है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड। ये फिर से क्विक एक्सेस बार है, जैसे हमने वर्ड में देखा था वैसे ही क्विक एक्सेस बार है, इसमें हम अलग अलग जो भी है ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ ओपन नहीं है तो हम यहाँ ओपन क्लिक करेंगे तो ओपन यहाँ पे ऐड हो गया। ये क्विक एक्सेस बार से हम क्विकली वो कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है तो हमें फिर से यहाँ न्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर क्विक एक्सेस बार से हम यहाँ पे अगर वो मेनू इंसर्ट है यहाँ पे दिख रहा है वो आइकॉन, तो यहाँ से क्लिक करके हम नया फाइल ओपन कर सकते हैं। देखो बुक टू नाम की नई फाइल यही के यही ओपन हो गई, हमें क्लोज होना नहीं पड़ा, बाहर निकलना नहीं पड़ा। ओके, तो इस तरीके से इसमें से हम जो भी क्विक एक्सेस एसेसरीज है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए ओपन वाले तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन को इसको क्विक एक्सेस बार में जाके फिर से प्रेस करेंगे तो ओपन चला गया। ओके, अब ओपन कब करते हैं, हम ये फाइल जैसे हमने ये ओपन कर ली, इसको क्लोज करेंगे तब फिर से हम उसे ओपन कर पाएंगे। तो ये हमारा टाइटल बार है, ये हमारा मेनू बार है, वहाँ जैसे मेनूज थे यहाँ पे भी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट मेनू है, सिर्फ एक्स्ट्रा अलग से मेनू है ये फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू उसमें भी था, वर्ड प्रोसेसिंग में भी रिव्यू और व्यू था, यहाँ पे फॉर्मूलाज और डेटा ये दोनों मेनूज उसमें ऐड हो चुके हैं जिसका यूज करके हमें यहाँ कैलकुलेशंस करना। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग किस लिए यूज करते हैं, हम कंटिन्यूस मैटर अगर रहा तो उसको बनाने के लिए, कंटिन्यूस मैटर को फीड करने के लिए, कंटिन्यूस मैटर को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग यूज करते हैं। बट जब हमारा मैटर रोज और कॉलम्स में है, मतलब जैसे अगर नंबर्स हमें डालना है उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना है, प्लस माइनस या फॉर्मूला कोई इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसे वक्त हमें एक्सेल शीट ओपन करनी होती है। ओके, तो अभी हमें और सेकंड वैसे ही है, सेम फॉर्मेट है, ये टाइटल बार है, ये मेनू बार है, मेनू बार में सिर्फ दो मेनू एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इंस्टेड ऑफ जो पुराने मेनू थे उसकी जगह पे, ये रिबन, इसको हम रिबन बोलते हैं, जो वहाँ पे थे वही रिबन के मेनू यहाँ पे ऐड हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जितने ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, इसके अलावा न्यू सेटिंग्स, न्यू अलाइनमेंट एंड न्यू चीजें इसमें ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से एक्सेल शीट ओपन करने के बाद हमें क्या व्यू दिखता है वो हमने देखा। अभी देखो यहाँ पे कर्सर, यह जो कर्सर पोजीशन है देखो किस तरीके से जैसे हिला रहे तो ये बॉक्स में हमें दिखता है कि हमारा कर्सर क्या है, तो हमारी कर्सर पोजीशन ये नेम बॉक्स में रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे क्या होता है हमारा इंसर्ट फंक्शन, जो फंक्शन हमें इंसर्ट करना है हम ये सिंबल से यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला बार दिया गया है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, जो मैटर हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो यहाँ दिखेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए बी सी टाइप करती हूँ तो देखो यहाँ पहले दिख रहा है और जब वो वहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ओके, इस तरीके से हम मैटर को इसमें इंसर्ट करते हैं।
फाइल ओपन कैसे करते हैं वह हमने देखा, डेटा उसमें कैसे डालते हैं, हम नंबर भी डाल सकते हैं, ओके ये हमने देखा 69। ओके अभी इसको हम सेव कैसे करते हैं, इसको सेव करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर हम यूज करेंगे। यही सेव में जाएंगे तो फाइल पूछेगा वो फाइल नेम कि क्या है उसका फाइल नेम, तो सेव एज में गए हम। सेव एज के बाद डेस्कटॉप पे गए, क्यों डेस्कटॉप पे, क्योंकि वहाँ से हम फाइल इजीली रीड कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर से हम कहाँ जाते हैं, यहाँ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे हम फाइल का नेम देंगे, सपोज एक्सेल की फाइल है इसलिए एक्स 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 अगर ये फाइल नेम देते हैं और उसको हम सेव करते हैं तो एक्स 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 नाम से फाइल बनी है और वो सेव हो चुकी है। अभी इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज करेंगे या फिर हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ओके तो यहाँ से क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि फाइल क्लोज होगी बट हम स्क्रीन पे रहेंगे, वो बुक टू नाम की फाइल क्लोज हो गई है और बुक वन यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। अभी ये बुक वन को भी हम ओपन क्लोज करना चाहते हैं तो हम सेम प्रोसीजर से भी जा सकते हैं, यहाँ जाके क्लोज करेंगे तो वो पूछता है कि हमें चेंजेस सेव करना है क्या, तो हमें अगर नहीं सेव करना है तो हम डोंट सेव में जाएंगे, अगर सेव करना है तो सेव में जाएंगे। ओके डोंट सेव में गए तो हमने सेव करके फाइल को सेव किया, फाइल बाहर गई, फाइल से बाहर निकले बट हम आए वही एक्सेल शीट पे, यहाँ से पूरी स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लोज करना पड़ेगा। ओके अब इस तरीके से हमने फाइल को सेव किया, क्लोज किया, अभी इसको हम फिर से ओपन करना चाहते हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे या हम एक्सेल टाइप करेंगे EXCEL। ओके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। ठीक है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद फाइल ओपन हो रही है, देखो अभी ये बुक वन नाम की फाइल ओपन हुई लेकिन हमने कौन से नाम से फाइल सेव की थी, एक्सेल नाम से। ओके तो ये फाइल कहाँ दिखती है, हमें डेस्कटॉप पे देखना है उस फाइल को, एबीसी नाम से, एक्सेस नाम से हमने फाइल ओपन की थी। ओके तो हमें एक्सेस नाम की फाइल को फाइंड आउट करना है तो कैसे करें, हमें डेस्कटॉप पे वो फाइल दिखना चाहिए, कैसे दिखेंगे हमें वो फाइल, कैसे दिखेगी, हम कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये देखो एक्सएक्स नाम की फाइल यहाँ रिसेंट इसमें डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे दिख रही है हमें रिसेंट फाइल, या फिर हम फिर से इसे यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप पे और एक्सेस नाम की फाइल को ओपन किया, हमने जो भी सेव किया था वो यहाँ पे ओपन है। अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहते हम फिर से क्या करेंगे, देखो डेस्कटॉप पे वो फाइल है, इसको क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। ओके जो मैटर हमने इसमें सेव किया था वो सेव हो गया है। अब दूसरा तरीका, हमने फाइल को क्रिएट किया, उसको सेव किया और उसको एडिट भी किया, अभी हम इसमें और भी मैटर डाल सकते हैं और इसको फिर से सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं। ओके अभी दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है वर्कशीट ओपन करने का, हम फिर से कहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, यहाँ न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ देखो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नाम का ये दिख रहा है पॉपअप में मेनू, उसको क्लिक करेंगे, देखो ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसे हम चेंज करना चाहते हैं नेम, इसे हम देंगे क्यू क्यू क्यू। ओके क्यू 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 नाम से ये फाइल ओपन होती है। अब इसे अगर हमें ओपन करना है तो सिंपली हमें इसको डबल क्लिक करना होता है। ओके तो इस तरीके से हमने फाइल को सेव कैसे करना है, उसको क्रिएट कैसे करना है और उसको ओपन कैसे करना है यह देखा। बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो रिबन में दिया हुआ है वो सब चीज़ें आपको जैसे के वैसे ही यूज़ करना है, मतलब फॉन्ट चेंज करने के लिए, जैसे हमने यहाँ इंटर किया मैटर GG, यहाँ पे हमने मैटर इंटर किया 10, उसके नीचे नीचे लेके आएंगे 20, इस तरीके से एरो को हम नीचे खींचेंगे 30, इस तरीके से मैटर को हम इसमें एंटर करते हैं और उसको सेव करते हैं और उसके ऊपर इफेक्ट देना है तो जैसे ये कैलिब्री में गया, कैलिब्री में जाने के बाद जो फॉन्ट चाहिए हमें वो फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। इस तरीके से हम पूरा मैटर लेके उसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। देखो इसको अगर हमने सिलेक्ट किया और हमने दिया 22
तो इस तरीके से हम इसको सेव करते हैं।